हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक वैकेंसी आई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, क्या क्या मांगा है क्वालिफिकेशन, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें और इसका वेतन कितना होगा और इसकी जॉब लोकेशन कहाँ पे होगी और इसका सेंटर कहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या है इस वैकेंसी में। दोस्तों, ये सेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप एक मत समझिएगा। और चलिए पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को और जानते हैं क्या क्या मांगा गया है इसमें। दोस्तों, जैसे कि पहले ही लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्ट है जिसमें जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम और रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम 2020। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, पोस्ट के सारे नाम आपने देख लिए होंगे। यहाँ पे पढ़ लेना आप अच्छे से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करना। चलिए देख लेते हैं इसकी आवेदन करने की तिथि क्या है और इसकी लास्ट तिथि क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस इसकी है। चलो फीस की बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 7 मार्च सन 2020 से इसके ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 23 मार्च सन 2020 तक ये फॉर्म और फीस सबमिट होनी है। ठीक है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर ही फॉर्म सबमिट कीजिएगा और फीस पेमेंट कीजिएगा। फीस कितनी है ये भी बताएंगे और इसमें क्या क्या मांगा गया है ये भी बताएंगे जल्दी। इसका पेपर बहुत ही जल्दी होगा, 12 अप्रैल सन 2020 को इसका पेपर ले लिया जाएगा फर्स्ट फेज का। और सेकंड फेज का जो पेपर होगा 3 मई सन 2020 को सेकंड फेज का पेपर होगा। ठीक है, और इसकी जो इसमें इंटरव्यू है दोस्तों, इंटरव्यू की डेट को मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ही आपका सेकंड फेज होगा उसके तुरंत ही बाद इसका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट आ गई हैं, इस पोस्ट को देखिएगा आप। स्ट्रीम या जनरल की बात करें, यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 32 पोस्ट हैं इसमें। और ओबीसी की बात करेंगे तो 22 हैं, और एससी की बात करेंगे तो 12 हैं, और एसटी की बात करेंगे तो 6 हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन की बात करेंगे तो 8 पोस्ट हैं। अगर इन टोटल पोस्टों को जोड़ दिया जाए तो 80 पोस्ट इसमें आई हुई हैं। तो दोस्तों, पोस्ट अच्छी खासी हैं अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है देखते हैं। मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ। देखिए दोस्तों, या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इंजीनियर स्ट्रीम से होनी चाहिए। आप इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी, CA, CFA और CS यानी कि कंप्यूटर साइंस, या और कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए आप। चलिए, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिए, आइए और देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा है। देखिए दोस्तों, हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। लीगल की बात करेंगे, इसमें लीगल स्ट्रीम में जो वैकेंसी थी, यूआर के लिए 12 वैकेंसी हैं जिसमें, उसमें देख लीजिएगा आप, ये साफ साफ इसमें वैकेंसी लिखा हुआ है और मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। इस जो लीगल में मांगा है, एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ इन रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है, 8 वैकेंसी हैं। और इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री इन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आपके पास इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से आपके पास होनी चाहिए यानी कि IT यानी कि कंप्यूटर साइंस से भी। और मास्टर डिग्री, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्लिक लिखा है, या तो आपको वो होनी चाहिए या उससे पहले वाली होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और मास्टर डिग्री, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद द पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन एट इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये
इसमें से जहाँ ऑब्लिक लिखा है वही डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है सारी डिग्रियाँ आपके पास हों। देख लीजिएगा दोस्तों, सिविल इंजीनियर के लिए भी है और इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के भी है और रिसर्च के लिए भी है। अच्छा, रिसर्च की बात करें तो इसमें मांगा गया है मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द रिकॉर्डेशन यूनिवर्सिटी इन इंस्टेंट, सॉरी दोस्तों, इंस्टीट्यूट। चलिए आगे देखते हैं, लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है इसमें, और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है इसमें संस्कृत या इंग्लिश से आपने अगर मास्टर डिग्री की है तो आप भर सकते हो, या कॉमर्स से की है या फिर हिंदी के किसी भी सब्जेक्ट से की है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों वैकेंसी में जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि ये हर कोई इसको फिलअप नहीं कर पाएगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, पेपर भी लेवल थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि इसकी सैलरी जो पे है वो 1,07,000 अप्रॉक्स बनेगी, 1,07,000 इसकी सैलरी बनेगी। अगर सारे डियरेंस अलाउंस को हटा दिया जाए तो वैकेंसी 70,000 के समथिंग रहेगी आपकी, सॉरी वैकेंसी नहीं, इसका जो सैलरी है वो 70,000 के अप्रॉक्स रहेगा आपके पास, ठीक है। चलिए और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी और मांगी गई है इसमें। देखिए दोस्तों, आपके दो पेपर होंगे 100 मार्क्स के और आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, और आपका कट ऑफ रहेगा वो 30% रहेगा, मिनिमम क्वालिफाई कट ऑफ है दोस्तों 30%। ज़रूरी नहीं है कि 30% आप क्लियर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें पेपर फर्स्ट में जो कि 12 अप्रैल को होगा उसमें दो पेपर होंगे, एक ऑल स्ट्रीम के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे और फाइनेंशियल सेक्टर से रहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी रहेंगे। चलिए, और दूसरा जो आपका दूसरा पेपर होगा उसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, और कॉमर्स, मैनेजमेंट, अकाउंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, कंपनीज एंड आर्ट और इकोनॉमिक्स से रहेंगे। इसका जो दूसरे पेपर का क्राइटेरिया है 40 मिनट रहेगा, और 40% आपको क्वालिफाई मार्क्स मांगा गया है, और मार्क्स जो होंगे मैक्सिमम वो रहेंगे 100। वैसे ही दूसरे का है दोस्तों, अगर पेपर पहला क्वालिफाई कर जाते हो तो दूसरे में भी यही क्राइटेरिया है, लगभग सेम। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, चलिए नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, ये सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है। सेकंड में दोस्तों इंग्लिश का डिस्क्राइब टेस्ट होगा, आपका इंग्लिश देखी जाएगी आपकी कितनी अच्छी है। जनरल स्ट्रीम से भी वही क्वेश्चन रहेंगे, कॉमर्स से रहेंगे, और मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट एंड कंपनीज, और आर्ट एंड इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए और देखते हैं दोस्तों, फेस वन के सेंटर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फेस वन के सेंटर आपके पास रहेंगे, ज़रूरी नहीं है, सेंटर सेबी ने बहुत सारे दिए हैं इसमें, आप तो ज़्यादा दूर सेंटर नहीं होगा, आपके घर के पास सेंटर हो सकता है। सेंटर देख लीजिएगा आप, सेंटर ये आपके ये सारे सेंटर आ गए, और ये जो सेकंड ऑनलाइन पेपर होगा उसके भी सेंटर इसमें दे दिए, और इंटरव्यू के बारे में सेंटर नहीं बताया गया है। इंटरव्यू की क्या है, अगर आप दोनों ही पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू के लिए जहाँ बुलाएं चले जाना। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आती है, इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो इन्होंने फ़ीस रखी है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, तो बहुत ही सोच समझ के भरिएगा दोस्तों। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे तभी इस में 100 रुपीज़ है SC ST के लिए, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 1,000 रुपीज़ यानी कि 1,000 रुपये हैं जनरल के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर ही लेंगे तभी इसमें इन्वेस्ट करना, अदरवाइज़ इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपके 1,000 रुपये ऐसे ही बर्बाद चले जाएंगे और आप इसमें पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो। तो दोस्तों मैं कहूँगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ज़रूर क्वालिफाई करोगे आप, और पेपर को ज़रूर सबमिट करना, ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, आपको सारा इम्पोर्टेंट था जो मैंने बता दिया है,
और अगर आप पेपर फॉर्म को सबमिट करते हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 23 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है इन लोगों ने। चलिए, और बाकी का बताएंगे आपको जब इसका सेकंड एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ामिनेशन डेट आएगी या एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, फॉर्म को सबमिट कीजिएगा और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वैकेंसी में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।